गुड मॉर्निंग, आज आपका यस बी एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का लेसन 1 बायोलॉजी का लेसन का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल। इसमें हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें आप लोग सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोगों का नया सेल ऑर्गन्स जो है गॉली बॉडीज के बारे में पढ़ना है। गॉली बॉडी इज द मेन सेल ऑर्गन्स ऑफ द ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। दीज आर सिचुएशन ऑन द अपर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट सिस्टर्नी, सिस्टर्नी इज द अनब्रांचेड टाइप ऑफ ट्यूब्स। दीज आर कवर बाई टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स। एंड सेकेंड आर ए वैक्यूल्स। दीज आर ए स्फेरिकल लाइक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज द कवर ऑफ द सिंगल मेम्ब्रेन्स एंड इट्स फिल्ड टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। थर्ड ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स इज द अनब्रांचेड एंड स्मॉल टाइप ऑफ ट्यूब्स। दी आर ए अरेंज टू सिस्टम। इट इज द टू टाइप ऑफ सेल। अपर पोर्शन इज द सिस्फा एंड लोअर पोर्शन इज द ट्रांसफा। इट इज द वेरियस फंक्शन ऑफ द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। एक बार हिंदी में देख ले, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स समस्त यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र के ऊपर एक डिस्क लाइक संरचना के रूप में पाई जाती है जिसका खोज कैलियो गॉल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। इसको डिस्कोसोम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम इसी गॉल्जी के नाम से गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसका संरचना मैंने बताया कि यह एक डिस्क लाइक संरचना के रूप में पाई जाती है जो ऊपर के तरफ ऐसे जिसको सिस्फाम कहते हैं कॉन्वेक्स के रूप में, सेकंड नीचे के तरफ जो है वो भी उत्तर होती है जिसको हम ट्रांसफार्म कहते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट अशाखित तरह की जो है ये लंबी नलिका जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। इस सिस्टर्नी के सिरा भाग पर खुला होता है और नीचे के तरफ पतले होते हैं। दूसरा होता है वैकुल्स, थैलिया जिसको कहते हैं। ये थैलिया 3 से 4 गोल या स्फेरिकल तरह की इसकी रचना होती है जो चारों तरफ से एकाहरे सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होती है। इसमें हाई कंसेंट्रेशन के एंजाइम्स जो है फिल होते हैं, भरे होते हैं। संभवतः इन थैलियों का निर्माण इस सिस्टर्नी के सिरा भाग के टूटने से ही होता है, लेकिन क्लियर नहीं। सेकंड ट्यूब्स, इसमें इसके झिल्लियों के अंदर बहुत सी छोटी छोटी ट्यूब जैसी रचना पाई जाती है जो इनरेगुलर तरह की होती है। इन तीन भागों से मिलकर के ये जो है भरा बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी बॉडी,
फंक्शन ऑफ बॉडी बॉडीज। फर्स्ट है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम दी आर सिचुएटेड ऑफ द एपिकल पोर्शन ऑफ स्पर्म, अर्थात शुक्राणु के ऊपर एक शीर्ष भाग पर या एपिकल पोर्शन पर कैप नुमा रचना होती है। इस कैप रचना का निर्माण इसी गालिकाए के द्वारा ही होता है जो उस शुक्राणु को सुरक्षा करने का, सेफ्टी करने का, प्रोटेक्ट करने का ये कवर बनाता है। सेकंड, इसके अंदर भरे हुए एंजाइम्स कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द सेक्रेशंस ऑफ द एंजाइम्स बाय द गॉल्जी कैप मैक्रोफेज फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिटवीन टू मदर सेल्स। थर्ड, ये जो है कोशिका द्रव्य से निकले हुए एंजाइम को अपने थैलियों में फिलअप करता है और फिलअप करने के बाद उसको सिलेक्शन करता है कौन यूजफुल है कौन अनयूजफुल है और उस यूजफुल को पुनः अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए जीव काटकर छोड़ देता है। इसलिए इसको हम सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या हमने बोला? द सेक्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द एंजाइम्स दो एंजाइम्स आर एट फील्स इन द बैकोस ऑफ बॉडी कॉम्प्लेक्स या बॉडी वाइज द एंजाइम्स आर सिलेक्शन यूजफुल आर नॉन यूजफुल दो यूजफुल आर एड टू एड रिसीव एड टू एड डिस्चार्ज डी आर रिच टू एंड इन पॉइंट सो इट्स रीजन इट इज द कार ऑफ द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। फोर्थ है ये सेल डिवीजन को डिवाइड होने के लिए एक कैटालिसिस का कार्य करता है जिससे ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती जाए और विभाजन करके वो अपने आकार प्रकार में वृद्धि करती जाए। इसलिए यह सेल फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटोटाइप करते हैं कैटालिसिस प्रेरक करता है। तो कौन कौन सा मैंने गुण बताया? पहला मैंने गुण बताया कि प्रत्येक गुण स्त्रो या स्पर्म या शुक्राणु के ऊपर एक कैप नुमा संरचना का निर्माण जिससे वह शुक्राणु सुरक्षित रहते हैं। उस कैप नुमा रचना को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। दी कॉम्प्लेक्स ए दी गॉल्जी आर ए सेकंड आर एक्रोसोम दो एक्रोसोम आर ए प्रोटेक्ट टू स्पर्म। सेकंड मैंने कहा इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिटवीन टू मदर सेल्स, अर्थात ये कोशिका विभाजन के दो मात्र कोशिकाओं के बीच में एक सेल प्लेट का निर्माण करता है जो सेल प्लेट वाली आउट इन दी या सिचुएटेड इन दी प्लांट सेल एनिमल सेल आर एन सेल। थर्ड मैंने बोला कि ये सेल डिवीजन के लिए कैटालिसिस का कार्य जिससे बार बार ये सेल डिवीजन करके वो अपने सेल बन साइज में इंक्रीज कर सके, डेवलप कर सके। थर्ड वन फोर्थ बोला कि साइटोप्लाज्म से स्रावित एंजाइमों को ये गॉल्जी है अपने अपने बैकोस में फिल कर लेता है और उनको सिलेक्शन करता है कौन यूजफुल है कौन नॉन यूजफुल है। उस यूजफुल एंजाइम को ज्यों का त्यों अपने अपने गंतव्य के लिए पुनः छोड़ देते हैं।
इसलिए इसको उसका ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना। पांचवा, ये अन्यायियों को श्राव करने के लिए तथा ये यह उसका विभाजन के प्रेरण करने के लिए भी यह काम आता है, ये इसके फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या हमने बोला, वाली बॉडी क्या, गाली बॉडी क्या है, इट इज दी फर्स्ट डिस्कवर बाय द गाली, ये कैमिलो गाली इन 1898 है। ऑल यूकैरियोटिक सेल सिचुएशंस ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर ऑफ दी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दी आर ए थ्री पार्ट, फर्स्ट सिस्टमिक, सेकंड बैकवर्ड्स, थर्ड ट्यूब्स। सिस्टमिक इज द अनब्रांचेड टाइप ऑफ दी ट्यूब्स, दी हेड पोर्शन आर इन बिग पार्ट्स। सेकंड बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स इज द स्फेरिकल लाइक ऑफ स्ट्रक्चर, दी आर ए कवर ऑफ दी सिंगल मेम्ब्रेन, एंड इट इज द फिफ्थ ऑफ दी हाई कंसंट्रेशन। थर्ड ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स इज द स्मॉल ट्यूब टाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस शेप आर इररेगुलर, इट इज द फंक्शन ऑफ द गॉल्जी बॉडी। फर्स्ट द गॉल्जी बॉडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, दो एक्रोसोम आर ए प्रोटेक्ट टू स्पर्म्स, इट इज द सिचुएशन ऑफ द हेड पोर्शन ऑफ स्पर्म्स। सेकंड the Golgi complex are a formation of two cell plate between two mother cells. Third, these have two catalytic property in the Golgi enzymes. Fourth, it is the secretion of the cytoplasm of enzymes. Those enzymes are present in our spherical parts, yeah, Michael's parts. And it is the selection of the useful and non-useful type of enzyme. Those useful enzymes are give up as well as are reached to in our endpoints. So its region, it is the traffic police of the cell. ये हम लोग इस गॉल्जी के बारे में जो है तो आपसे पूछा गया कि किस सेल आर्गन को उसका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है और क्यों, क्या जवाब देंगे, इस सेल ऑर्गन का नाम है गॉल्जी बॉडी। क्या नाम है, गॉल्जी बॉडी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने थैलियों में कोशा द्रव्य से स्रावित एंजाइमों को विलव करता है और उनका सिलेक्शन करता है और सेलेक्टेड तरह के जो यूजफुल होते हैं उन एंजाइमों को अपने अपने गंतव्य के लिए जैव का तेल छोड़ देता है, इसलिए इसको हम लोग उसका ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। वो इन्वेंटेड ऑफ दी हु डिस्कवर ऑफ दी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कैमिलो गॉल्जी, आंसर होगा कैमिलो गॉल्जी। अब सेकंड सेल ऑर्गन्स आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिकाएं, वैकुंस क्या है इसके बारे में। Vacuoles, vacuoles is the form of the Golgi plant cell. Animal cells are absent in the cytoplasm. These are a cover of tonoplast. Tonoplast. Tonoplast is the single membrane. These are a surrounding to the vacuoles plant. And it is the big structure of the plant cells. क्या हमने बोला कि रिक्तिकाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में यह अब्सेंट होती है। यह पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गन्स भी होता है, जिसका निर्माण संभवतः कोशिका के वृद्धि के साथ साथ उतनी मात्रा में उसका कोशा द्रव्य का विकास नहीं होता, जिसके कारण जगह जगह रिक्त स्थान है, वैकुल्स प्लेस बन जाता है। इस वैकुल्स प्लेस को ही हम वैकुल्स या रिक्तिकाएं कहते हैं।
जो रेतिका है चारों तरफ से एकाधिक झिल्ली टोनोप्लास्ट से घिरी होती है। झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट के अंदर बहुत से वैकुश प्लाज्मा रिक्तिका द्रव्य जो है भरे होते हैं। इसमें फूड मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, एंजाइम्स आते फिर इन दी वैकुश प्लाज्मा। एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स यूरिया, यूरिकम एक्स्ट्रा मटेरियल्स इन दी जो है वैकुश। एंड इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर ए फाउंड इन दी वैकुश प्लाज्मा। इट इज दी फॉलोइंग फंक्शन ऑफ दी फंक्शन ऑफ वैकुश। फर्स्ट फिर से एक बार दो बात है, वैकुश सेल ऑर्गेन्स फाउंड इन दी वर्मिंग प्लांट सेल, दीज आर अब्सेंट ऑफ दी एनिमल सेल्स। सम एनिमल सेल्स आर ए फाउंड बट वेरी स्मॉल या आर अनडेवलप्ड टाइप ऑफ वैकुश। वैकुश इज दी सराउंडिंग बाई सिंगल मेम्ब्रेन, दी मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑफ दी टोनोप्लास्ट। दी अंडर दी फिलम ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ दी वैकुश प्लास्ट, दोज वैकुश दी फूड मटेरियल, एस्केट्री मटेरियल एंड दी फॉलोइंग कलर ऑफ पिगमेंट्स, दी आर ए फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ए वैकुश। फर्स्ट इट इज दी डेवलप ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर, प्रेशर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल। यह पादप कोशिकाओं के अंदर परास्रावण दाब उत्पन्न करता है। दी डेवलप ऑफ दी ऑस्मोसिस प्रेशर इन प्लांट सेल। सेकेंड इट इज दी रिजर्व ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल खास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट्स, विटामिन्स एक्सेप्टा टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स आर रिजर्व इन दी वैकुश। थर्ड इट इज दी फिल ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोसाइनिन आर ए फिल इन दी वैकुश प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ दी ब्लू कलर पिगमेंट्स। फोर्थ इट इज दी रिजर्व ऑफ एक्सेट्री मटेरियल्स, अर्थात यह विभिन्न प्रकार के औषधि पदार्थों को भी रिजर्व करता है। फिफ्थ इट इज दी फिल इन दी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा एंड ये कॉपर, आयरन एंड कैल्शियम वेरियस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर ए रिजर्व इन दीज वैकुश प्लांट। वैकुश प्लांट का क्या क्या मैंने काम कार्य बताया कि पादप कोशिकाओं के अंदर परासरण दाब नियंत्रण करने का कार्य करता है। दूसरा हमने बोला कि पौधों के अंदर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसी जो है आपके वैकुश प्लांट के अंदर रिक्तिका द्रव्य के अंदर भरा होता है। तीसरा मैंने बोला कि विभिन्न प्रकार के रंगा का पिगमेंट्स इसको कहते हैं, इसी रिक्तिका द्रव्य के अंदर घुल करके उसमें तरह तरह के रंग उत्पन्न करने का कार्य करता है, जैसा एंथ्रोसाइनिन ये जो है नीला
ऐसे ही ये जैंथोफिल नारंगी रंग, कैरोटीन पीला रंग इत्यादि इत्यादि तरह के जो वर्णक होते हैं, रंगा का पिगमेंट्स होते हैं, इस यह पिगमेंट ही रिक्तिका द्रव में घुल करके उसकी फल भित्तियों को या पुष्प दलों को या उसके पत्तियों के अंदर रंग उत्पन्न करने का। चौथा मैंने बोला कि इसमें विभिन्न प्रकार के ये अकार्बनिक तरह के तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इनका भी स्टोर होता है, इनको भी रिजर्व करने का कार्य करता है। पांचवा, ये जो है अन्य तरह के कुछ आयनों को भी अकार्बनिक तत्वों को आयनित रूप में रिजर्व करते हैं, जैसे कॉपर के बारे में मैंने बोला, कॉपर आयन के रूप में, आयरन लोह आयन के रूप में भी इसको रिजर्व करने का जो है कार्य। ये हम लोग ये पढ़े इसके बारे में, डाइकोल्स के बारे में। टोनोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है आपसे पूछा जाए, क्या बताएंगे कि डाइकोल्स प्लांट इज दी सराउंडिंग बाई टोनोप्लास्ट, अर्थात डाइकोल्स जो है चारों तरफ से टोनोप्लास्ट से ही जो है भिन्न होती है। तो ये रितिका के ऊपर या डाइकोल्स के ऊपर ही जो है पाई जाती है। ये समाप्त हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जो थर्ड पार्ट ऑफ सेल है, और न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के